हेलो एवरीवन, हम पाठ 5 गुब्बारे पर चीता के शब्द अर्थ कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न का, लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या चर्चा कर रहे थे? तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम चलते हैं पाठ में पेज नंबर 26 पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था, लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था, सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज़ पर बैठेगा। तो यहाँ से हमें अपना उत्तर बनाना है। कैसे लिखेंगे? हमें लिखना है, लड़के अपने सामने किताबें खोले चर्चा कर रहे थे कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी कैसे पिएंगे, हाथी गाड़ी पर कैसे बैठेगा, तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा। तो यहीं से हमें अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? चलिए ढूंढते हैं इसका उत्तर पाठ में। देखिए, पेज नंबर 27 पर हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यहाँ पर वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपये का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊँचा उछलेगा? और यह सुंदर वन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वारे भालू, भालू है या सुअर? और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी। तो यहीं से हमें अपना प्रश्न ख का उत्तर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सभी जानवर कमज़ोर थे, कोई भी जानवर ताकतवर नहीं था। प्रश्न ग, चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बताइए, चीते ने बलदेव को चट क्यों नहीं किया उसने ऐसा? ये देखिए, पेज नंबर 29 पर हमने यहाँ पर रीड किया था। जो जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। तो यहाँ से हमें अपना उत्तर लिखना है। हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हमें लिखना है, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि चीता खुद बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसे ऊपर कौन ले जा रहा है। आगे है, घ, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई? तो देखते हैं कौन सी बात याद आई थी। ये देखिए, लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, एकाएक उसे यह बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। तो हमें यही अपना उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है? कि बलदेव को अचानक यह बात याद आ गई कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। लास्ट क्वेश्चन, गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा? ढूंढते हैं इसका उत्तर। ये देखिए, पेज नंबर 28 पर
इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा, जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुआ था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। तो यही हमारा उत्तर है। कैसे लिखेंगे कि गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा इसलिए भागा क्योंकि चीता उसकी तरफ आ रहा था, वह बहुत डर गया था। तो चलिए एक बार सभी प्रश्न उत्तर की रिवीजन ले लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने बुक में लिख कर दिखाए हैं। क, लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या चर्चा कर रहे थे? उत्तर होगा, लड़के अपने सामने किताबें खोले चर्चा कर रहे थे कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी कैसे पिएंगे, हाथी गाड़ी पर कैसे बैठेगा, तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा। ख, सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सभी जानवर कमज़ोर थे, कोई भी जानवर ताकतवर नहीं था। आगे है, ग, चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर होगा, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि चीता खुद बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसे ऊपर कौन ले जा रहा है। घ, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई? उत्तर लिखेंगे, बलदेव को अचानक यह बात याद आ गई कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। नेक्स्ट है, गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा? गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा इसलिए भागा क्योंकि चीता उसकी तरफ आ रहा था, वह बहुत डर गया था।